वैसे लोग बात करने वाले, यदि मान लीजिए आप इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में यहाँ पर जाते हैं, तो सिंपली यदि मान लीजिए काम करने के लिए जा रहे हैं, तो किसी न किसी यहाँ पर कंपनी में आप यहाँ पर ज्वाइन होंगे, तो ऐसे में उस कंपनी के बारे में किस तरह से आपको यहाँ पर पता करना है कि वह कंपनी यहाँ पर ठीक है या फिर नहीं है, उसका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा है, किस तरह से वहाँ पर जो भी लोग गए हैं उनका यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पर सैलरी देती है या फिर नहीं देती है, जी हाँ दोस्तों, उन सभी के बारे में डिटेल आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा, जो भी कंपनी वह रियल है या फिर फेक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा है, तो इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल जानने वाले कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर टिप्स आपको बताएंगे, जिनका यूज करके आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर पता लगा लेंगे कि जो भी यहाँ पर कंपनी है वह यहाँ पर ठीक तरह से परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं कर रही, कैसा लोगों के पास एक्सपीरियंस है उसका, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट ये है कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, जिस भी कंपनी की तरफ से आपको ऑफर लेटर या फिर इनविटेशन लेटर मिलता है, सिंपली उस कंपनी के बारे में आपको यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करना है दोस्तों। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद सिंपली वह कंपनी यहाँ पर कब रजिस्टर हुआ था, उसके फाउंडर कौन से हैं और इनके अलावा यहाँ पर कितनी इम्प्लॉई हैं और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, उनका साइट कौन सा है और यहाँ पर वह किस तरह से सर्विस दे रहे हैं लोगों को, और जो भी लोग यहाँ पर उस कंपनी में ज्वाइन हुए हैं उनका लोगों को एक्सपीरियंस कैसा है। इसके अलावा उस कंपनी को और बेहतर तरीके से जानने के लिए जो भी लोग उस कंपनी में यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं उनसे भी आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल होता है तो। जी हाँ दोस्तों, यदि मान लीजिए पॉसिबल है तो सिंपली आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उन लोगों से भी आप यहां पर बात कर सकते हैं कि वह कंपनी कैसा है, पैसा ठीक तरीके से दे रही है या फिर नहीं दे रही है, वहां पर रहने खाने का व्यवस्था कैसा है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, जो भी यहां पर कंपनी होती है यदि मान लीजिए रजिस्टर होती है तो ऑनलाइन उनका साइट भी बनता है दोस्तों, और साइट बनने के बाद सिंपली उन पर उनका यहाँ पर एड्रेस और यहाँ पर ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो उस कॉन्टेक्ट नंबर को यूज करके जो भी यहाँ पर आपके पास ऑफर लेटर या फिर मान लीजिए जॉब लेटर, इनविटेशन लेटर एजेंट के थ्रू या फिर किसी एजेंसी के थ्रू आता है, सिंपली आप उसको यहाँ पर वेरीफाई करा सकते हैं कि वह रियल है या फिर फेक है। जहाँ दोस्तों, इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, यदि मान लीजिए किसी कंपनी में आप यहाँ पर जाना चाहते हो उस कंपनी के यहाँ पर बारे में ठीक तरह से जानने के लिए, सिंपली उसका पूरा छानबीन आपको कर लेना होगा, जैसे कि इंटरनेट पर या फिर मान लीजिए किसी एजेंट के थ्रू या फिर मान लीजिए जो भी लोग विदेश विदेश जाते हैं सिंपली उनसे भी आपको कॉन्टेक्ट कर लेना होगा, राय ले लेना होगा। और यही नहीं दोस्तों, और भी आपको यहाँ पर जानकारियाँ एकत्रित करना होगा उस कंपनी के बारे में कि कंपनी का यहाँ पर सर्विस क्या है, किस तरह से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है और आपको जाने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा, और सैलरी का क्या यहाँ पर झंझट है दोस्तों, और जाने के लिए कौन सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे आप यहाँ पर जा सकते हैं, कितना खर्चा होता है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में पता करना होगा, तभी आप सक्सेसफुली उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाएंगे और आपको जाने में कोई भी यहाँ पर बेझिझक आप यहाँ पर जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में देना होगा, और यदि मान लीजिए आप इन सभी पॉइंट को ध्यान देते हैं और जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं आपके पास एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर प्लम्बर का काम करते हैं और मेसन में चले जाते हैं, तो ऐसे में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहेगा दोस्तों, आप ठीक तरह से यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे, आप भी डिसअपॉइंट होंगे और कंपनी भी डिसअपॉइंट होगा आपसे, तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस ठीक ठाक देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों, सबसे पहले आपको काम सीखना होगा और काम में आपके पास करीब करीब इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर अदर कंट्री के लिए। जी दोस्तों, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर मालदीव में, इसके अलावा यहाँ पर मॉरिशस कंट्री, यहाँ पर यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इन सभी कंट्री में जाना चाहते हैं और जाने के बाद आपके पास यहाँ पर जॉब भी रहे जी दोस्तों, और सैलरी पैकेज भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिले, तो सिंपली इन पॉइंट को आपको यहाँ पर हमेशा से ध्यान देना होगा, और यह सभी पॉइंट आपको यहाँ पर काम आएंगी जब कोई भी आपके पास यहाँ पर जो भी ऑफर लेटर या फिर इनविटेशन लेटर आता है, कभी कभी जो कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है वह सीवी सिलेक्शन होता है, कभी कभी इंटरव्यू के थ्रू होता है, तो ऐसे में जो भी यहाँ पर इंटरव्यू होता है इंटरव्यू में आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा दोस्तों यह सभी पॉइंट, ताकि आपको पता रहेगा कि कंपनी का सर्विस सेल कैसा है, किस तरह से उसे आप यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, आप क्या चीज़ कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए, एक्सपीरियंस भी जो भी आपने यहाँ पर काम किया है और जिस भी काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी काम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि आपको आता है या फिर नहीं आता, ठीक तरह से कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो उन सभी के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर जानकारी एकत्रित करना होगा। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे
कौन सा पॉइंट है और किस तरह से किसी भी कंपनी में किसी भी कंट्री में जाने से पहले किस तरह से आपको यहाँ पर कंपनी को चेकआउट करना चाहिए जी दोस्तों, तो इन सभी के बारे में आप जान गए होंगे। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।